x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 5 प्लस x माइनस सेम एक्सप्रेशन है a प्लस b टू द पावर 5 और a माइनस b टू द पावर 5 सम ऑफ निकालना है कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स उसको एक्सपेंड करके देखते हैं a प्लस बी टू द पावर 5 और a माइनस बी टू द पावर 5 ऐसा है वो एक्सप्रेशन उसको हम s नाम से पुकार रहे हैं यहां a हम x को कह रहे हैं और b दूसरे वाले एक्सप्रेशन 5c0 a टू द पावर 5 के बाद नेक्स्ट वाला टर्म 5c1 a टू द पावर 4 टाइम्स b प्लस डॉट 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 और जब दूसरे टर्म को एक्सपेंड कीजिएगा तो 5c0 a टू द पावर 5 यहां इसको इमेजिन कीजिए a प्लस माइनस b यानी आपको इसी एक्सप्रेशन में b के जगह माइनस b लिखना है तो अब ये टर्म माइनस 5c1 a रेस टू द पावर 4 टाइम्स b हो जाए फिर प्लस 5c2 a क्यूब माइनस b का होल स्क्वायर है तो प्लस रहेगा ये सारा प्लस ये अल्टरनेट प्लस माइनस तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो टर्म्स बचेगा फिर 2 टाइम्स ये दोनों टर्म दो दो बार और ये सब कैंसिल आउट हो गया तो 5c0 या सिर्फ c0 लिख दीजिए c0 टाइम्स a टू द पावर 5 प्लस c2 टाइम्स a टू द पावर 3 बी स्क्वायर प्लस c4 टाइम्स a टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर 4 यही तीन टर्म बचेगा c0 c2 एंड c4 अब हम a और b का वैल्यूज डाल लेते हैं 2 टाइम्स ये 5c0 है तो ये 1 होगा x टू द पावर 5 प्लस ये 5c2 है जिसका वैल्यू 5 × 4/2 = 10 a क्यूब और b स्क्वायर भी हम इसको माने थे इस एक्सप्रेशन को b इसको a तो b स्क्वायर इज x क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 विच इज 5c1 विच इज 5 5 टाइम्स x b टू द पावर 4 यानी x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा और फिर स्क्वायर यही एक्सप्रेशन है इसमें ऑड पावर वाला टर्म्स खोजना है जैसे यहां x टू द पावर 6 एक टर्म है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है सिर्फ ऑड पावर x टू द पावर 5 है एक माइनस 10x क्यूब है इसको एक्सपेंड करेंगे तो x टू द पावर 6 इंटू x वो ऑड आएगा फिर माइनस 2x क्यूब इंटू x वो इवन हो जाएगा फिर लास्ट वाला टर्म प्लस 1 टाइम्स x ऑड हो जाएगा अब हमको उनको कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं है उनके सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है नाउ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स इक्वल टू अब सिर्फ कोएफिशिएंट तो x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट है 2 x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट है अब 2 बाहर ले लिए तो अंदर में 1 लिख रहे हैं माइनस 10 यहां पर x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट है 5 और एक प्लस 1 आएगा एक्सपेंड करने पर इंटू 5x एक और 5 इतना सारा ऑड पावर्स ऑफ x का कोएफिशिएंट एंड दैट इज द आंसर 10 माइनस 10 0 हो गया प्लस 1 सो इट इज 2 एक एक्सप्रेशन दिया है बाइनोमियल x प्लस y टू द पावर n n इज सम नेचुरल नंबर
और लिखा है कि इसके कोएफिशिएंट्स का सम, इफ सम ऑफ ऑल इट्स कोएफिशिएंट्स इक्वल्स 1024, इसको एक्सपेंड करेंगे एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन टाइम्स वाई प्लस एन सी टू एन सी एन। हमको सिर्फ अगर कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए तो हम दोनों तरफ x और y के जगह 1, 1 डाल दें तो ये 2 टू द पावर n बचेगा, उधर सिर्फ बचेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। तो 2 टू द पावर n का वैल्यू कह रहा है 1024 दिया है इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इज गिवन। हाँ, इसको देख के n हमको समझ जाना है कि कितना है, एग्जैक्टली 10 होता है। तब पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, माने 10c0 से लेकर 10c10 में से ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन होगा। सो द आंसर इज 10c, 10 को 2 से डिवाइड किए एक नंबर आया 10c। यहां एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है 2 रेज टू द पावर 1/4 यानी 4th रूट ऑफ 2 प्लस ये 3 रेस टू दी पावर माइनस 1/4 विच मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 4th रूट ऑफ 3 टू दी पावर n। और क्वेश्चन है t5 बटे t5 प्राइम, मतलब हम मीन कर रहे हैं इसका शुरू से पांचवा टर्म और पीछे से पांचवा टर्म का जो रेशियो है वो रूट 6:1 अनुपात में है। अगर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी क्वेश्चन में एक अननोन है n, एक इक्वेशन चाहिए और इक्वेशन दिया हुआ है, खाली आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिखने आना चाहिए। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग n c 5 से 1 कम, ये आप जो लिखे दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ टर्म। और एक बार आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख दिए, अब a टू द पावर n माइनस 4 होता है, अब b टू द पावर 4 होता है। यहां पे हम अभी a b रहने दे रहे हैं, बाद में हम a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बैक, तो उसका भी सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना है। पीछे से पांचवा टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वही होगा, लेकिन हम यहां 4 नहीं लिख करके n माइनस 4 लिखेंगे, यद्यपि कि ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन अभी इसलिए लिखेंगे क्योंकि तब यहां पे b की द पावर n माइनस 4 होगा, पीछे वाला टर्म का कोएफिशिएंट सेम होता है, पूरा टर्म नहीं सेम होता है a टू द पावर 4। ये दिया हुआ है रूट 6, इसको पहले कैंसिल आउट कर दिए और इनको भी काटे, यहां a टू दी पावर हो जाएगा n माइनस 8 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा b टू दी पावर n माइनस 8 यानी a बटे b होल टू दी पावर n माइनस 8 बराबर रूट 6। अब a बटे b का एक्सप्रेशन लिखिए, a है 2 टू द पावर 1/4, अब b है 3 टू द पावर माइनस 1/4, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/4 इतना टू द पावर n माइनस 8 इक्वल टू रूट 6। और अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स खाली हम लोग को याद रखना चाहिए, क्लास 10th में जो हम लोग सीखे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हो, बेस बोलते हैं यहां जो लिखते हैं और ऊपर चढ़ा के जो लिखते हैं उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप साबित भी कर सकते हैं, दिस मीन्स ए इंटू ए दो बार, दिस मीन्स बी इंटू बी दो बार, ए बी को इकट्ठा कर लिए ए बी इंटू ए बी दो बार, तो ए बी का होल स्क्वायर।
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 to the power 1/4 2n-8। फिर अलजेब्रा हम लोग पढ़े हैं कि अगर a to the power b to the power c हो, 2³ to the power 5 means 2³ × 2³ × 2³ 5 बार, और 2³ means 2 × 2 × 2 3 बार, तो दिस इज 2 × 2 × 2 15 बार, यानी इन दोनों को गुणा कर दिया जाए। तो a to the power b whole to the power c इज सेम एज a to the power of bc। तो हम इन दोनों को गुना करें, n माइनस 8 को गुना कर रहे हैं 1/4 से, लिखते ऐसे बराबर 6 to the power half। अगर इस तरफ का बेस और इस तरफ का बेस सेम है तो हम दोनों तरफ के एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं, यानी हम यहां से निष्कर्ष निकालेंगे n माइनस 8/4 का वैल्यू इक्वल टू हाफ होना चाहिए, और इस प्रकार हम n का वैल्यू 4 × 2 + 8 = 10 ढूंढ लेंगे। ये बायनोमियल एक्सपेंशन को जब एक्सपेंड करेंगे, दो टर्म है, दोनों इरेशनल टर्म है, 2 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है √2, और 3 का फिफ्थ रूट ये भी एक इरेशनल नंबर है 2^10। इसको जब एक्सपेंड करेंगे 11 टर्म्स आएगा, उसमें से कुछ टर्म्स होगा जो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 2^4 2^6 ये सब करेंगे ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड सम ऑफ द रैशनल टर्म्स, तो पहले इसको एक्सपेंड करना होगा और ढूंढना होगा उसमें रैशनल टर्म्स कौन है। तो देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं हम, इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं n c r a to the power n minus r 10 minus r 2 to the power multiplied by 3 to the power 1/5 whole to the power r, and r varies from 0 to 10। अब देखिए तो ये रैशनल होने के लिए क्या जरूरी है, ये n माइनस r 2 से डिविजिबल हो जाए, माने 2 का मल्टीपल्स हो, तो ये टर्म रैशनल हो जाएगा। कब का मल्टीपल ऑफ 2 होगा, देखिए n माइनस r, r की जगह 0 डालें तो ये 10 आए, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी तब ये 2^5 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल टर्म है। पर खाली इसको रैशनल होने से काम नहीं होगा, इसको भी रैशनल होना होगा, और ये तभी होगा रैशनल जब यहां r मल्टीपल ऑफ 5 हो, r के जगह 4 लिखा हो, तो 3^4/5 इट इज नॉट रैशनल। अगर यहां पे 5 हो तब ये रैशनल हो जाएगा, 10 हो तो रैशनल हो। तो पूरा टर्म रैशनल होने के लिए जरूरी है कि ये भी रैशनल हो मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, तब जाके रैशनल होगा। अब ढूंढें r मल्टीपल ऑफ 5, यानी r का वैल्यू 0, 5 या 10, बस 15 तो हो नहीं सकता है, तो r का 3 ही वैल्यू है जिसके लिए ये टर्म रैशनल होगा। अब इन तीनों को बारी बारी से देखें, यहां r के जगह 0 डाल देंगे तो ये रैशनल हो जाएगा, r के जगह 5 डालिएगा तो 10 - 5 5/2 वो इरेशनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2^5, और 10 डालिएगा तो 10 - 10 = 0 रैशनल होगा, यानी कुल मिला के सिर्फ दो टर्म होगा जो रैशनल होगा, r बराबर 0 और r बराबर 10 डालते हैं हम, तो r बराबर 0 डाल दीजिए पूरा टर्म निकल जाएगा 10c0 2^5 × 3^0 एक टर्म जो रैशनल है, और एक टर्म और जो रैशनल है 10c10 डाल रहे हैं r के 2^0 which is 1 and 3 square। बस यही क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ द रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। NC0 का वैल्यू 1 है, 2^5 का वैल्यू 32 है,
10C10 is 10C0, which is 1 into 3 square, 32 plus 9, 41. यहां एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, यहां भी बाइनोमियल है लेकिन टू द पावर 1 है, यहां भी बाइनोमियल है लेकिन टू द पावर 1 है, a प्लस बी टू द पावर 1, 1 प्लस टी टू द पावर 24 होल टू द पावर 1, यानी इसको एक्सपेंड करना ही नहीं है, तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, इसको भी नहीं करना है, लेकिन इसको तो करना होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 13 टर्म्स आएगा इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 24 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस 12 सी आर 1 टू द पावर 12 माइनस आर t square to the power r and r varies from 0 to 12. यहाँ पे something plus something, something plus something और यहाँ पे 13 terms u1 plus u2 plus u13 यही लिखा है, उसके बाद actually multiply भी करना है क्योंकि question पूछा है find coefficient of e टू दी पावर 24. एक्चुअली जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन फाइनली आएगा, फाइनली वो एक पॉलिनोमियल आएगा इन टी, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स ऑफ टी, समथिंग प्लस समथिंग इन टू टी प्लस समथिंग इन टू टी स्क्वायर समथिंग इन टू टी क्यूब टाइप का एक एक्सप्रेशन आएगा, टी का जो हाईएस्ट पावर पे जहां जाके समाप्त होगा इसको कहेंगे nth डिग्री का पॉलिनोमियल इन टी, ऐसे लिखते हैं सब्स्क्रिप्ट में, आप जब गुना करेंगे तो हाईएस्ट कितना पावर आएगा वो तो बता सकते हैं, जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो टी टू द पावर 24 तक जाएगा, c0 प्लस c1x, हम x की जगह टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, 1 प्लस x टू द पावर 12 का एक्सपेंशन, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c12x टू द पावर 12 तक जाएंगे, यहां x के जगह t स्क्वायर लिखा है, तो c0 प्लस c1 t स्क्वायर c2 t टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 c12 t टू द पावर 24 तक जाएगा, इसमें जो टर्म सब है उसमें हाईएस्ट पावर है t टू द पावर 12 और इसमें हाईएस्ट पावर है टी टू द पावर 24, जब गुना करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ टी क्या आएगा, अगर पूछे ये सवाल नहीं है तो हम आपको बताए थे गुना करने का तरीका, जब भी गुना करते हैं ब्रैकेट्स इनटू ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, एक टर्म इस ब्रैकेट से उठाते हैं एक इससे और एक उससे गुना करते हैं जितना बन सके, जैसे कितना टर्म बनेगा दिस into this, into this, this into this, into this system. इसमें कुल 13 टर्म है, इसमें दो, इसमें दो, यानी यहां पर जब हम इसको मल्टीप्लाई पर करके लिखेंगे तो कुल इतना टर्म्स आएगा, 2 × 2 × 13, 52 टर्म्स. हाँ, उसमें से कुछ लाइक टर्म्स भी होगा जो इकट्ठा होकर के eventually नंबर ऑफ टर्म्स 52 से कम हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर इतना टर्म्स पहले आए. अगर हमसे कोई पूछे कि इस एक्सपेंशन में कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा तो ऐसे ही बता देंगे देख के, इसका हाईएस्ट पावर इस ब्रैकेट का हाईएस्ट डिग्री, इस ब्रैकेट का हाईएस्ट डिग्री 24 24 12, 24 24 हो गया 48 और 12 60, यानी टी टू द पावर 60 तक का टर्म मिलेगा, ए 60 टी टू द पावर 60 एक्सपेंड कर, इसमें कुछ मिसिंग कोएफिशिएंट्स भी होगा, तो इसको कहते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 60 इन टी. वो बोलना जरूरी है, अगर यहां एक्स के पावर्स में लिखा होता तो इन एक्स बोलते. क्वेश्चन क्या है देखिए, कि इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें
ई टू द पावर 24 वाला जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट बताइए। और अगर हम कहें कि ए प्लस बी टू द पावर 5 का एक्सपेंशन कीजिए और इसमें बी क्यूब वाला जो टर्म हो जिसमें बी का पावर 3 दिखता हो उसका कोएफिशिएंट बता दीजिए, तो बता देंगे द मोमेंट आप इसका जनरल टर्म लिखना जानते हो आप तुरंत बता देंगे देख करके कि बी क्यूब वाला टर्म कौन है। देखिए बी क्यूब, अच्छा आर के जगह 3 डाल दीजिए तो बी क्यूब वाला टर्म होगा 5c3a2bq। अब अगर आप कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं तो ये बताएंगे, टर्म पूछ रहे हैं तो पूरा बताएंगे। तो जब तक हम इसको एक्सपेंड नहीं कर लें हम नहीं बता पाएंगे ई टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट कितना होगा। लेट अस एक्सपेंड, हम इसको इक्वल टू लिख रहे हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 into 1 into टी टू द पावर 24, टी टू द पावर 12 और टी टू द पावर 36, 1 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 36 गुना किए इन दोनों को। अभी 13 टर्म वाला ब्रैकेट लिखना बाकी है वो नहीं लिख रहे हैं, 12 सी आर टी टू द पावर 2 आर आर वैरीज फ्रॉम 0 टू 12, एक ब्रैकेट है बड़ा सा और ये एक ब्रैकेट है जिसमें 4 टर्म है, ये आसान था तो गुना कर लिए। अब एक एक करके देखिए, इसको पहले गुना कीजिए उससे, उसमें खोजिए टी टू द पावर 24 का टर्म, अपने से खोजिए कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 ढूंढ रहे हैं, पहले खोजिए कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 इन 1 टाइम्स उतना। इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ी देर के लिए कुछ एस नाम दे देते हैं, तो 1s यानी s में खोजिए कौन कौन कोएफिशिएंट है, फिर खोजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 इन टी टू द पावर 12 से जब सब गुना करेंगे उसमें खोजिए। इसी तरह से हम 4 बार गुना करेंगे, एक बार टी टू द पावर 24 से गुना कर देंगे सबको और उसमें खोजेंगे इन टी टू द पावर 24 टाइम्स एस, इसमें खोजेंगे, ये खोजना है इन दिस, कोएफिशिएंट खोजेंगे ऑफ टी टू द पावर 24 इन टी टू द पावर 24 इन टी टू द पावर 36 टाइम्स एस, इसको गुना कर देंगे खोजेंगे, यानी अब तब सबको ऐड करके आंसर बता देंगे। तो चलिए कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 इन दिस, एस मतलब यही, इसी में बोल रहे हैं कि टी टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट खोजिए। तो देखिए साफ तो लिखा है, आर के जगह 12 डालिएगा तो टी टू द पावर 24 हो जाएगा 12c12 मिलेगा। हम इसको ऐसी रहने देंगे ना, बार बार लिखेंगे नहीं। अगर हम कहते हैं कि टी टू द पावर 25 वाला टर्म बताइए तो इसके एक्सपेंशन में, तो देखिए ना 2 into r का वैल्यू अगर 25 कब होता है, कभी नहीं पॉसिबल है, यहां r एक नेचुरल नंबर है। तो हम पूछेंगे कि इस एक्सपेंशन में जरा बताइए तो टी टू द पावर 25 का कोएफिशिएंट किसमें, क्या बोलेंगे 0। तो आप टी टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट ढूंढे 12c12, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टी टू द पावर 12 से, अब खोजिए, अब हम क्या खोजेंगे जरा सोचिए, दिस इज सेम एज कि हम टी टू द पावर 12 का कोएफिशिएंट खोजें इन एस। इस एक्सपेंशन में जो टी टू द पावर 12 वाला टर्म होगा वो जब इससे गुणा होगा तो वो टी टू द पावर 24 बन जाएगा, यानी कि हमको ये जो खोजना था वो एक्चुअली इट वॉज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 12 इन दिस। वो अब तुरंत खोज लेंगे टी टू द पावर 12 कब संभव है, जब आर के जगह 6 होगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 खोजना है इस समय, यानी कि टी टू द पावर 0 खोजना है इसमें। इसके एक्सपेंशन में
जब टी टू दी पावर जीरो वाला जो टर्म होगा यानी कांस्टेंट टर्म, वो जब इससे गुना होगा तो वो टी टू दी पावर 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी टू दी पावर जीरो वाला टर्म यानी आर के जगह जीरो, 12C0, एंड कोफिशियंट ऑफ टी टू दी पावर 24 खोजना है इसमें, यानी हम टी टू दी पावर 36 से डिवाइड कर दें तो टी टू दी पावर -12 का कोएफिशिएंट खोजना है इसमें। इसमें टी टू दी पावर -12 का कोएफिशिएंट नहीं है, यानी टी टू दी पावर -12 अगर होता ना इसके एक्सपेंशन में कहीं पे, तो वो जब टी टू दी पावर 36 से गुना होता तो वो टी टू दी पावर 24 में ट्रांसफॉर्म कर जाता, पर है ही नहीं टी टू दी पावर -12। 2R बराबर -12 से इक्वेट कीजिएगा तो R बराबर -6 और R बराबर -6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सुजीरो, आप इन सबको ऐड कर देना है एंड यू हैव द आंसर। यहां 1 + 2A⁴ एक बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिएगा तो 5 टर्म आएगा। 2 - A⁵ 6 टर्म आएगा। सम पॉलिनोमियल इन ए, ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल होगा क्योंकि जो हाईएस्ट पावर ऑफ ए आएगा इसके एक्सपेंशन में वो 8⁴, और ये सम अनदर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन ए हाईएस्ट, अब फिर इन दोनों को गुणा करने पर एक 9th डिग्री का पॉलिनोमियल इन ए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूब। उस एक्सपेंशन में ए का डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होगा ना, ए टू दी पावर 1, ए टू दी पावर 2, ए टू दी पावर 3, ए टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 5, ए टू दी पावर 6, तो उसमें ए क्यूब वाला जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट ढूंढिए। टोटल कितना टर्म्स होगा गुणा करने पर, अगर इसमें 5 टर्म है a1, a2, a5 और उसमें b1, b2, b3, b4, b5, गुना कीजिएगा इसको इससे, उससे 5 टर्म्स 6 टर्म्स टोटल 30 टर्म्स, उस 30 में से जो आइडेंटिकल होगा उसको जमा करिएगा, इवेंचुअली कुछ लेसर नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा, तब जाके उसमें हम खोजेंगे ए क्यूब वाला। व्हाट डू वी डू? बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करके उसको इस प्रकार लिखिए, 4CR 2A⁴ मल्टीप्लाइड बाय, ये एक ब्रैकेट है, दूसरा R वेरीज फ्रॉम 0 to 4, इसको हम कुछ M लिख दे रहे हैं, यहां N लिखेंगे, 5CN, N वेरीज फ्रॉम 0 to 5, 2⁵ - N मल्टीप्लाइड बाय -8⁴ N। अब इन दोनों को गुना करके कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, समथिंग न्यू। इन दोनों को गुना करके हम एक टर्म लिखेंगे, वो सारा जो 30 टर्म है ना वो सब हमको यहां लिखना है एक फार्मूला के रूप में। जैसे यहां पे हम एक टर्म नहीं लिखे हैं, 5 टर्म लिखे हैं 0 से लेके 4, यहां 6 टर्म्स लिख दिए हैं, खाली आप n का वैल्यूज डालते जाइए सारा टर्म मिलता जाएगा। ऑफकोर्स इसको लिखा जाता है, प्रॉपर तरीका है a⁻ लिखेंगे और -1⁻ को यहां लिखेंगे। हम यहां पे जो वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं उसको m बोले हैं, m वेरीज फ्रॉम, और यहां n वेरीज फ्रॉम 0 to 5। अब इन दोनों को गुना करने पर जो 300 टर्म बनेगा वो सब लिखने वाले हैं एक ही साथ, समथिंग न्यू। कॉपी कर देना है, 4CM 5CN -1⁻ N, सबको this into this सबको गुना कर रहे हैं, 2⁻ N एंड 2⁵ - N, उसको इकट्ठा करके 5 + M - N इंटू a⁻ M इंटू a⁻ N ऐसे लिख दिए। M एक नेचुरल नंबर है वेरिंग बिटवीन 0 to 4 एंड N वेरीज फ्रॉम 0 to 5, एक ही बार में लिखा,
अब देखिए तीसरा टर्म हम लिख दिए, हम यहां लिखे हैं कि m और n के स्थान पे आप यही नेचुरल नंबर्स डालना है बस, जितना तरह से आप चूज कर सकते हैं m और n का वैल्यूज जोड़ा जोड़ा में, वो सब इसमें डालना है, यही लिखा है। जैसे हम m के जगह सोचे कि जीरो डालते हैं और n के जगह सोचे कि जीरो डालते हैं, डाल दीजिए, तो उस 30 टर्म्स में से एक टर्म आप लिख दिए, फिर आप m के जगह जीरो डालिए और n के जगह 1 डालिए, दूसरा टर्म माने कोई एक टर्म उस विशालकाय समुंदर में से आप लिख दिए, फिर m के जगह 0 डालिए, n के जगह 2 डालिए, m के जगह 0 डालिए, n के जगह 3, m के जगह 0, n के जगह 4, m के जगह 0, n के जगह 5, और जितना बना सकते हैं अपने से बनाते चले जाइए कॉम्बिनेशंस। अब हम m के जगह 1 डालेंगे, अब फिर n का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक बारी बारी से बदलते हैं, फिर m का जगह 2 लेंगे, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, इस तरह से हम ऑल 30 टर्म्स को एक साथ ऐसे लिखेंगे, ये हमारा लैंग्वेज है। क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब वाला टर्म्स खोजिए, उसका कोएफिशिएंट सब ढूंढिए, ए क्यूब माने इतना बराबर 3 होना चाहिए। अब m और n का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचिए सच दैट m प्लस n का वैल्यू 3 हो जाए। सोचते हैं m बराबर 0, n बराबर 3, m बराबर 1, n बराबर 2, m बराबर 2, n बराबर 1, m बराबर 3, n बराबर 0। अगर और कोई कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आता हो तो हमको बता दीजिए, यानी उस 30 टर्म्स में से बस यही 4 टर्म होगा जिसमें ए क्यूब समथिंग इंटू ए क्यूब प्लस समथिंग इंटू ए क्यूब दिखेगा। बस अब सभी कोएफिशिएंट को निकाल दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, दैट इज द क्वेश्चन, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर एम प्लस एन। हम डाल के दिखाते हैं आपको, एक कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, एम के जगह 0, एन के जगह 3, तो ये -1 हो जाएगा, 4c0 हो जाएगा, 5c3 हो जाएगा, खाली गलती नहीं होना चाहिए, 0-3 is -3, 5-3 2 2 square, ये एक इतना टाइम्स ए क्यूब एक टर्म आएगा उस 30 में से। हमको खाली कोएफिशिएंट से मतलब, m के जगह 1, n के जगह 2, तो प्लस हो जाएगा 4c1 5c2, 2 to the power 1-2 -1 2 to the power 4, इसी तरह से बाकी दोनों ढूंढ के और वैल्यूज निकाल के अब जोड़ के आंसर 1+x² to the power 2, इसको तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 1² + 2 times + x² to the power 4, वी आर अवेयर ऑफ दिस। ये 1+x² to the power n है, वो जिसका एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, एन सी एक्स टू दी पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 to n, मतलब यहां लेफ्ट हैंड साइड जो कुछ भी लिखा है उसको हम अपने बाइनोमियल थ्योरम गिवन बाय न्यूटन का इस्तेमाल करके इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहां n प्लस 1 टर्म्स है, सब लिख दिए, अगुने 3 टर्म, हर टर्म n प्लस 1 से गुना होगा, यानी टोटल 3 times n plus 1, 3n plus 3 टर्म्स यहां लिख दिए, सारा टर्म ही लिख दिए, कह रहे हैं लेट दिस इक्वल दिस, मतलब इसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो कोई सीरीज ही ना आएगा, a0 into x to the power 0, a के जगह 1 डाले, a1x + a2x², इस तरह का एक सीरीज आएगा, तो कह रहा है कि लेट दिस बी रिटन एज दिस। अब आगे, इफ a1 a2 a3 आर इन ap, a1 का मतलब समझिए, या a1 का मतलब x to the power 1 का कोएफिशिएंट, वो a1 लिखा है, यानी इसका एक्सपेंशन आप करें उसमें x to the power 1 का जो कोएफिशिएंट मिले उसी को a1 कह रहा है। ए टू मतलब
ए टू, देखिए ए टू का क्या मतलब है, यहाँ के जगह टू डालिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसके एक्सपेंशन में उसी को कह रहा है ए टू। माने ये लिखने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि हमको इतना बड़ा बात लिखना पड़ता ना, इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर वन इन दिस एक्सपेंशन कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन एंड कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को ए थ्री कहे हैं इन दिस एक्सपेंशन दे आर इन ए टू, तो उतना नहीं लिखना पड़े, इसीलिए हम कहे कि लेट दिस इक्वल दिस, ताकि आप समझ जाएं जब हम ए वन ए फाइव बोलेंगे तब मैंने आप समझ जाएंगे कि अच्छा x टू दी पावर 5 के कोएफिशिएंट को ए फाइव बोल रहे हैं। तो इफ ए वन ए टू ए थ्री आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, माने ये ऐसे ही है, ये एक भाषा के लिए आपको बताया गया है कि हम ताकि बोलेंगे आप समझ जाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। अब आपका टास्क है कि इसका एक्सपेंशन में x टू दी पावर 1 का कोएफिशिएंट ढूंढिए, फिर अस्थिर से x टू दी पावर 2 का कोएफिशिएंट ढूंढिए, फिर x क्यूब का, और वो तीनों कोएफिशिएंट ap में, ap मतलब a1 a2 a3 तीन संख्या, ap मतलब a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 बाई 2, यही होता है ap का मतलब, या ट्वाइस a2 इज इक्वल टू ए वन प्लस ए थ्री। तो ए वन ए टू ए थ्री का वैल्यूज निकालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको एक इक्वेशन बनेगा जिसमें एक अननोन होगा एन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो सारा ध्यान दीजिए ए वन ए टू ए थ्री का वैल्यूज ढूंढेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर वन इसके एक्सपेंशन में, तो यहां वन से जब बारी बारी से ढूंढना होगा तीन बार, एक बार वन से गुना करेंगे उसमें पहले ढूंढ लीजिए, फिर इससे गुना कर दीजिएगा पूरे एक्सप्रेशन को उसमें ढूंढ लीजिएगा फिर इसमें, तो पहले वन से गुना कीजिए, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। तो ए वन इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर वन इन वन टाइम्स एस प्लस, आगे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिएगा इसको तब एक्स टू दी पावर वन वाला टर्म ही नहीं बचेगा, क्योंकि पहला कांस्टेंट टर्म भी गुना हो गया एक्स स्क्वायर से, तो सब एक्स स्क्वायर से बड़ा ही ना होगा आपको, फिर एक्स टू दी पावर फोर से गुना कर दीजिएगा उसमें भी नहीं मिलेगा एक्स टू दी पावर वन वाला टर्म, सिर्फ इसे मिलेगा। तो वन से गुना कर दिए मतलब यही रहा, इसमें एक्स टू दी पावर वन का कोएफिशिएंट एन सी वन, तो वो ए वन का वैल्यू हो गया एन। अब ए टू खोजना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूरे में, तो जब ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक टर्म मिलेगा एन सी टू, ये वाला टर्म जब एक्स टू दी पावर जीरो वाले टर्म से गुना होगा विच इज एन सी जीरो टू टाइम्स एन सी जीरो, तो एक और टर्म मिलेगा, और ये वाला टर्म जब गुना हो जाएगा तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा ही नहीं। अब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट खोजना है, यहीं से ये जब गुना होगा तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा एन सी थ्री, ये जब गुना होगा तो एक्स स्क्वायर है एक्स टू दी पावर वन से गुना करेंगे तब एक्स क्यूब बनेगा, एक्स टू दी पावर वन का कोएफिशिएंट होगा एन सी वन एक इंटू टू टू टाइम्स एन सी, और ये जब गुना होगा तो सारा टर्म एक्स टू दी पावर फोर से बड़ा हो जाएगा, इसमें एक्स क्यूब का टर्म नहीं मिलेगा। अगर हम कहे होते कि हमको एक्स टू दी पावर सिक्स का कोएफिशिएंट ढूंढ के बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर सिक्स, देखिए हम लोग कर सकते, क्वेश्चन में नहीं है, एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस। ये जब गुना होगा वन तो एक्स टू दी पावर सिक्स वाले टर्म से गुना होने पर एन सी सिक्स कोएफिशिएंट मिलेगा, फिर जब ये गुना होगा तो एक्स टू दी पावर फोर वाला टर्म से गुना होगा एन सी फोर इंटू टू, वो एक्स टू दी पावर सिक्स का कोएफिशिएंट होगा टू टाइम्स एन सी, और ये जब गुना होगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म
से गुना होगा तो x टू दी पावर 6 मिलेगा, यानी एन सी टू। तो x टू दी पावर 6 का कोएफिशिएंट ढूंढते तो दिस प्लस दिस प्लस दिस जो भी नंबर आता वो होगा। तो हम a1 a2 a3 को ढूंढ लिए, एन सी जीरो को हम 1 लिख दें, एन सी 1 को n लिख दें, और अब कहता है कि ये तीनों AP में है। एन सी टू प्लस टू टाइम्स टू इक्वेट कर दें विथ ए वन प्लस ए थ्री विच इज एन सी थ्री प्लस थ्री इंप्लाइज टू टाइम्स, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन बटे टू फैक्टोरियल, तो 2 से मल्टीप्लाई हो करके ये बचेगा इतना प्लस 4। एन सी थ्री इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बटे थ्री फैक्टोरियल विच इज 6 प्लस 3 है। यहां एन स्क्वायर माइनस एन है प्लस 4 और माइनस 3n, तो माइनस 4n प्लस 4 इंटू 6 कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बचेगा n n माइनस वन इंटू एन माइनस टू। उसको भी एक्सपेंड करना ही होगा, कंजूसी करने से कुछ फायदा नहीं है। ये इन दोनों को गुना करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इंटू एन, यहां 6n स्क्वायर माइनस 24n प्लस 24। अब यहां n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, एन क्यूब माइनस सबको इकट्ठा कर रहे हैं 9n स्क्वायर 26n माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इतना के बाद क्या करेंगे ना कि चार ऑप्शन दिया होगा n का वैल्यूज, उसी में से डाल करके बारी बारी से चेक कर लेंगे। एक साबित करना है, सिंपल सा एक सीरीज है एन सी थ्री। एन सी थ्री कहां पाया जाता है? 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन के एक्सपेंशन में एक्स क्यूब के साथ ये पाया जाता है। एन प्लस वन सी फोर, ये इस जंगल का जानवर नहीं है, ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन के एक्सपेंशन में पाया जाता है, अलग अलग जंगल का जानवर है और सबको ऐड करने के लिए कह रहे हैं। साबित कीजिए कि दिस इज इक्वल टू एन प्लस, ये एक सिंबल है एन सी आर के लिए, एक ऐसा सिंबल भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सम ऑफ दीज इक्वल टू साबित करना है एन प्लस फोर सी सिक्स माइनस एन सी टू, प्रूफ करना है। एक्चुअली चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इतना का वैल्यू इनमें से किसके बराबर है, ए बी सी डी चार ऑप्शन, तो हम चारों लिखने के बजाय कह दिए कि साबित कर। इस समय उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा जो हम लोग सीखे थे कि NCR और NCR माइनस वन एक ही जंगल का ये दो जानवर है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के एक्सपेंशन में ये दोनों पाया जाता है, अगल बगल कोई डॉट को जोड़िएगा तो उससे नेक्स्ट जंगल वाले एक जानवर का वैल्यू निकल जाता है, ये इक्वल टू होता है एन प्लस वन सी। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बस एकमात्र ही क्वेश्चन ही बनता है। देखिए किसको जोड़ते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है उसमें हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं एन सी टू प्लस, ऑफ कोर्स हम यहीं पे लिख दे रहे हैं एन सी टू ऐड कर रहे हैं, एंड एक एन सी टू सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे माइनस एन सी टू, अब जुड़ जाएगा आसानी से। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये दोनों जानवर जुट के एन प्लस वन सी थ्री बड़ा वाला। अब ये दोनों कंबाइन होकर के
एन प्लस टू सी इन दोनों में जो बड़ा है। अब फिर अब ई दोनों कंबाइन करके एन प्लस थ्री सी इन दोनों में जो बड़ा है। अब फिर ये दोनों जुट के एन प्लस फोर सी इन दोनों में जो बड़ा है, यानी एवेंचुअली ये सिर्फ बचेगा एक टर्म शुरू में जो है माइनस एन सी टू, और एक सबका सम हो गया एन प्लस फोर सी सिक्स। बस खाली एक टर्म ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने से अब सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन, वन माइनस टू रूट एक्स टू द पावर 50 का एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए कर रहे हैं 50 सी आर 1 टू द पावर 50 माइनस आर माइनस टू रूट एक्स टू द पावर आर। आर वेरीज फ्रॉम 0 टू 50। रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ लिखें तो एक्स टू द पावर आर बाई 2 माइनस 2 टू द पावर आर को अलग से लिखें। अगर आप हैंडसम बनाना चाहते हैं तो माइनस 1 टू द पावर आर को अलग से लिखना जाता है, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर आर का मतलब सिर्फ ये एक साइन है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस 2 टू द पावर आर, यही कोएफिशिएंट हुआ x टू द पावर r बाई 2 का। अगर हम इस एक्सपेंशन में पूछे होते कि x टू द पावर 24 वाला कोएफिशिएंट बताइए, तब आप तुरंत बता देते। r के जगह अगर हम 48 डालें, प्रोवाइडेड कि डाल सकते हैं, तो यहां x टू द पावर 24 रहेगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 50 सी 48 2 टू द पावर 48 माइनस 1 टू द पावर 48। यही तो ब्यूटी है इस तरह से लिखने का। आप इस पूरे एक्सपेंशन में एवरी टर्म में एक्स का डिग्री और उसका कोएफिशिएंट सब दिखता है। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। हमसे पूछा है कि इस एक्सपेंशन में इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स, जैसे अगर आर बराबर 1 डालेंगे तो एक्स का जो पावर होगा वो एक इंटीजर नहीं होगा। तो जब जब x का पावर इंटीजर हो उन कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो कब कब इंटीजर होगा? जब जब ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा, यानी हर इवन 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, r बराबर 0 डाले हैं 50 सी 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 50 सी 2। अब इसका चिंता तो खत्म हो गया क्योंकि ये अब हमेशा प्लस होगा 50 सी 2, आर के जगह हम 2 डालें 2 टू द पावर प्लस 50 सी 4, यही हम इसको निकालना है 2 टू द पावर आर के जगह 4 डालें सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस 50 सी 50, आर के जगह 50 डालेंगे 2 टू द पावर 50। इन सब का सम पूछा गया है, दैट इज द क्वेश्चन। केवल इतना याद रखना है आपको कि कोई भी सवाल जो आपको हम देंगे बनाने के लिए वो उतने ही में से देंगे जो पढ़ाए हैं, उसे बाहर से नहीं देंगे। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का जो एक्सपेंशन है और 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन, इन दोनों को हम कई बार बोले कि बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी कोई सीरीज हो बाइनोमियल सीरीज पे आधारित सवाल, तो जवाब यहीं पे ढूंढिएगा। यह है सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स टू पावर एन, और ये सी जीरो माइनस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर माइनस सी थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर एन सी एन एक्स एन, यही है। इस सीरीज को जरा देखिए, 1 प्लस 2 टू द पावर 50 को एक्सपेंड करने पर ये नहीं मिलेगा, बीच में मिसिंग टर्म्स है। और अगर 1 माइनस 2 टू द पावर 50 को एक्सपेंड कीजिएगा, इसको एक्सपेंड करने पर सी जीरो प्लस
C1 into 2 plus C2 into 2 square C3 into 2 cube मिलेगा dot 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 सारा इसको expand कीजिएगा तो C0 minus C1 into 2 plus C2 into 2 square minus C3 into 2 cube plus dot 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 और दोनों को अगर हम add कर दें तो ये वाला सब टर्म खत्म हो जाता है और सिर्फ बचता है यही वाला सीरीज 2s. So this series is actually divided by 2. और यही यहां पे अगर हम 50c1 2 to the power 1, 50c3 2 to the power 3, second term, fourth term, sixth term का सम अगर पूछे होते तो this plus this किए हैं जब तो ये वाला सम मिला है. अब जब this minus this करते तब आपको ये वाला टर्म्स मिले. यहां देखें अगर 2 प्लस 3 टू दी पावर 50 तो हम कहें कि एक्सपेंशन कीजिए तो 50c0 टाइम्स 2 टू दी पावर 50, 50c1 टाइम्स 2 टू दी पावर 49 इंटू 3 टू दी पावर 1 प्लस डॉट 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 50c50 2 टू दी पावर 0 3 टू दी पावर 50 इसको एक्सपेंड करके आप सीख गए कि क्या लिखते हैं. लेकिन उल्टा सीखे कि नहीं, अगर हम कभी ऐसा सीरीज दे दें तो क्या आपको दिख जाएगा कि ये एक्चुअली में सिर्फ 5 टू दी पावर 50 लिखा हुआ है. ये तभी दिखेगा जब इस सीरीज का टर्म्स को आप ऑब्जर्व कर सके. जैसे आप इसको ऑब्जर्व करके दिख जाए कि यहां पे लिखा है 50c2 3 स्क्वायर, यानी इसको अगर आप समेट के इस प्रकार लिख सकें इस लंबे से एक्सपेंशन को. हम देंगे उल्टा सवाल भी, ये सीरीज दे देंगे, कहेंगे उसका सम बताइए, तो वो तभी बता पाएंगे जब उसका सिंटा हुआ फॉर्म लिख पाएंगे. कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, इसको जब एक्सपेंड करना हो तो भी इसी रूप में लिखना चाहिए और इसको समेटना हो तो भी इसी रूप में लिखना चाहिए. आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जान गए, उल्टा भी तो जानते हैं ना. कई बार इस रूप को समेट के इस रूप में लिखने का आवश्यकता पड़ता है. a प्लस बी का क्यूब आप जानते हैं, a क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो उल्टा भी तो मालूम होना चाहिए ना. दोनों में यही इंपॉर्टेंट बात है कि इस सीरीज को देख करके अगर आपको दिख जाए कि टर्म सम है 50c r टाइप का है और साथ में 3 रेज टू दी पावर r है और 2 रेज टू दी पावर 50 माइनस r है और r का वैल्यू 0 से 50 तक है, जैसे ही आपको उसका जनरल टर्म दिखा पैटर्न, अब आप जैसे ही इस रूप में लिखेंगे आप समझ जाएंगे ये 2 प्लस 3 टू दी पावर 50 लिखा हुआ है. तो यहां जो सीरीज था वो 50c0 था 2 टू दी पावर 0, यहां 1 टू दी पावर था 50, 50c2 2 स्क्वायर 1 टू दी पावर 48 था. हां, मैंने जब एक ही टर्म दिखे ना, यहां दो दो टर्म दिख रहा है प्रोडक्ट, एक ही दिखे तो समझ जाना है ना कि दूसरा टर्म 1 है. 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन के एक्सपेंशन में 1 है थ्रू आउट, लेकिन दिखता नहीं है वो. तो अगर एक ही दिख रहा है पावर्स ऑफ 1 नंबर 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 टाइप का, तो समझ जाइए कि ये 1 प्लस 2 टू दी पावर 50 का एक्सपेंशन किया गया है. हम मिसिंग टर्म्स बीच बीच में वो आपको इशारा कर रहा है कि आपको 1 प्लस 2 टू दी पावर 50 का एक्सपेंशन लिखना है, 1 माइनस 2 टू दी पावर 50 का लिखना है, अब जोड़ना है या घटाना है वो देख लेना है. सो माई रिक्वायर्ड सीरीज वॉज एक्चुअली इक्वल टू दिस प्लस दिस टाइम्स हाफ एंड नाउ द आंसर इज देयर. 3 टू दी पावर 50, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 टू दी पावर 50 इज 1 बाई 2. 3 टू दी पावर 50 प्लस 1 बटे 2
इन सब का वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट कर करके अगर हम ऐड करें तो इतना के बराबर आए। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 + x^2, 1 + x^3, 1 + x^49 तक। इसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो 50 टर्म्स, इसका एक्सपेंशन 4 टर्म्स, 3 टर्म्स, ढेर से। इस एक्सप्रेशन में जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन, वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखा है 3n+1 टाइम्स 51c3। उसके बाद कुछ पूछा है, कोई सवाल है? ये जो आखिरी एक बाइनोमियल है वो 1 + mx लिखा हुआ है, बाकी सब 1 + x। तो हम ऐसा करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जरा ढूंढ लें। कैसे ढूंढते हैं कोएफिशिएंट? कोई भी हम एक्सप्रेशन दें, a+b^n, तो ये हमेशा जरूरी है कि आप बाइनोमियल थ्योरम याद रखें, आप उसका जनरल टर्म यहां लिखने आना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी कोएफिशिएंट ढूंढ पाए। जैसे यहां सारा एक्सप्रेशन 1 + x^2 कुछ k टाइप का है, यहां से लेके यहां तक वो वाला एक डिफरेंट है। 1 + x^k का जो एक्सपेंशन होता है kcr x^r, x^1 + x^n ncr x^r। तो इस एक्सपेंशन में अगर हम पूछें कि x^r का कोएफिशिएंट क्या है, ncr। x^3 का कोएफिशिएंट क्या होगा, nc3। x^2 का कोएफिशिएंट क्या होगा इस एक्सपेंशन में, nc2। इस एक्सपेंशन में n ये है, तो इसमें x^2 का कोएफिशिएंट 2c2, 3c2, केवल x^2 का कोएफिशिएंट 1 + x^4 के एक्सपेंशन में x^2 का कोएफिशिएंट 4c2 +... 49c2 प्लस, और इसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो 50cr, इसका जो जनरल टर्म है mx^r, यानी m^r टाइम्स x^r, ये है कोएफिशिएंट। तो हमको x^2 का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें, तो 50c2 × m^2, 50c2 × m^2, और ये इक्वल टू दिया हुआ है 3n+1 टाइम्स 51c3। प्रॉब्लम को देख करके घबराना नहीं चाहिए, लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x^2, ईच एक्सपेंशन में x^2 का टर्म होगा, इसमें भी होगा, x^2 के साथ कोएफिशिएंट होगा 3c2, नेक्स्ट वाले में भी होगा 1 + x^4 में भी, उसमें x^2 का कोएफिशिएंट 4c2 होगा। तो आप ईच बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आप x^2 का कोएफिशिएंट ढूंढना जानते हैं तो पहले ढूंढ लीजिए, पैनिक पहले मत हो जाइए, पहले ढूंढ के देखिए, हो सकता है सवाल आपसे बन जाए। तो हम पहला स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके इस रूप में लिख लीजिए। अब यहां के बाद फिर से सोचते हैं, अब यहां एक सीरीज है something plus something, हम इसको ऐड कैसे करेंगे? कोई भी सीरीज तब तक ऐड नहीं होता है जब तक कि उसका हमको पैटर्न नहीं दिखता है। ये सीरीज का एक जनरल टर्म को लिखते हैं, इसका सारा टर्म 2c2, 3c2, 4c2, 5c2, 6c2 टाइप का है, कुछ kc2 टाइप का है, n नहीं लिख रहे हैं क्योंकि n ऑलरेडी यूज किया गया है, इस टाइप का है, वेयर k वैरीज फ्रॉम 2 to 49। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। हम अगर एक सीरीज लिख रहे हैं 23c0 -0.5 to the power 5,
माइनस हाफ टू दी पावर 18, 3 बाई 4 टू दी पावर 0, ये भी नहीं, 23C1 माइनस हाफ टू दी पावर 22, 3 बाई 4 टू दी पावर 1, 23C2 माइनस हाफ टू दी पावर 21 एंड 3 बाई 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 23C23 माइनस 3 बाई 4 टू दी पावर 23। ऐसे भी नहीं लिख के देंगे हम, यहां पे माइनस बाहर में रहेगा और यहां 1/2 रेज टू दी पावर 23 लिखा, यहां प्लस होगा, यहां 1/2 रेज टू दी पावर 22 इंटू 3/4 लिखा, यहां पे फिर माइनस साइन होगा, 1/2 रेज टू दी पावर 21 इंटू 3/4 का स्क्वायर, इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस, और हम इसका सम कहेंगे, बताइए कितना है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर लिए कि इसका जनरल टर्म क्या है, सारा टर्म 23CR टाइप का है, यहां 1 है तो यहां 3/4 टू दी पावर 1 है, यहां 2 है, तो सारा टर्म इस टाइप का है और माइनस हाफ टू दी पावर 23 माइनस हाफ ऐसा है, यहां पे टू दी पावर 1 है, यहां टू दी पावर 22 है, यहां टू दी पावर 23 है, यहां टू दी पावर 2 है और हाफ टू दी पावर 21 है। जब तक ये पैटर्न नहीं दिखेगा और ये माइनस प्लस माइनस को भी हम इस माइनस को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हर जगह माइनस लिख सकते हैं, यहां माइनस 1 टू दी पावर 22 प्लस हो जाएगा, जब तक ये पैटर्न नहीं दिखेगा। एक बार अगर ये पैटर्न दिख गया, एक कोई जनरल टर्म जिसमें हम आर का वैल्यू 0 से लेकर 23 तक डालते चले जाएं, तो ये सीरीज बन जाएगा। द मोमेंट आप इस रूप में देख पाएंगे, आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या है, ये a प्लस बी टू दी पावर 23 इसका वैल्यू है। तो जब हमको इस सीरीज को ऐड करना था तो हमको पैटर्न दिखना बहुत जरूरी था, तो यहां से यहां तक का जो टर्म्स था इनका पैटर्न नहीं था, कि सब के सी टू टाइप का है, वेयर के वेरीज फ्रॉम 2 to 49, और इस एक टर्म को अलग से लिख रहे हैं 50C2 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 3N+1 टाइम्स 51C3। अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, जो भी सीरीज आपको दिया जाएगा ऐड करके वैल्यू निकालने, वो आप पहले से जानते हैं तभी दिया गया है। अब ये बाइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल सीरीज का जो जनरल टर्म होता है उसमें यहां पे वेरिएबल होता है, यहां नहीं, 23CR वेरीज फ्रॉम, कभी ना सारा एक ही जनरल का जानवर होगा 23C0, 23C1, 23C2, ये सिम रखता है, कभी ना आप देख के समझ जाते हैं कि ये a प्लस बी टू दी पावर 23 टाइप में सिमट जाएगा। यहां पे ये कांस्टेंट है, यही वैरी कर रहा, ये सब जानवर अलग अलग जनरल का है, ये 1+x^2 वाले जंगल का है, ये 1+x^3, 1+x^4, 1+x^49 जंगल का है, तो ये बाइनोमियल सीरीज नहीं है। इसको तोड़ के देखिए समझ में आ जाए, ये k(k-1)/2 फैक्टोरियल है, यानी ये वाला टर्म k²-k है, हाफ को हम बाहर ले सकते हैं, सिग्मा 1 to 49 हम लिख रहे हैं, जबकि है 2 to 49, हाँ 1 डालने पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है, तो इसीलिए अगर हम ऐसा लिख भी दे कि 1 से 49 तक ऐड करना है, तो इट इज सेम एज
2 से 49। यहाँ दो सीरीज है, एक सिग्मा के स्क्वायर 1 टू 49 माइनस सिग्मा के 1 टू 49। देखिए तो आप ये दोनों आपके जाना पहचाना है कि नहीं, ये सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 49 है, और ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हम यहां पे इसीलिए 1 लिखे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, 1 से लेके n तक ऐड करना हो नेचुरल नंबर्स को। अब 5 से n के लिए फॉर्मूला नहीं है, अगर 5 से n ऐड करना हो तो हमको पहले 1 से n ऐड कर लेना होगा। अब 1 से 4 वाला सम को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तो हम यहां पे 2 टू 49 को 1 टू 49 लिख दिए, और हम सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि 1 डालने पे जो टर्म आ रहा है दैट इज 0, सो वो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं। तो ये हमारा जाना पहचाना सीरीज है। अब जब इस बात को हम समझ गए हैं, हाफ सिग्मा के स्क्वायर माइनस सिग्मा के का वैल्यू यहां लिखने जा रहे हैं, विच इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बटे 6। ये हम लोग फॉर्मूला करते हैं, ये 49 इंटू 49 प्लस 1 इंटू 49 इंटू 2 98 प्लस 1 99 बाई 6 माइनस 1 से लेके 49 तक का सम का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 यानी 49 इंटू 49 प्लस 1 बाई 2। प्लस 50C2 को हम 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 m स्क्वायर 3n प्लस 1 टाइम्स, पता नहीं अभी आवश्यकता है कि नहीं इस स्टेप में इसको एक्सपेंड करने का, लेकिन चलिए कर दिया 3 इंटू 2 6 डिग्री। अब इसमें से 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन में एक काट दे तो ये 33 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 49 इंटू 50 बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो 33 माइनस 1 ब्रैकेट में विच इज 32, और डिनोमिनेटर में एक 2 भी है। हम केवल अभी इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो दिस इज 49 इंटू 50 इंटू 8 प्लस 50 इंटू 49 बाई 2 एम स्क्वायर 3n प्लस 1 51 इंटू 50 इंटू 49 बाई 6। अच्छा 49 इंटू 50 कैंसिल हो सकता है, यहां 8 बचेगा, यहां एम स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और यहां 51 बाई 6 टाइम्स 3n प्लस 1 बचेगा। अब हम एक 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां 48 हो जाएगा, यहां 3m स्क्वायर इधर ऐसा 51 टाइम्स 3n प्लस 51 माइनस 48 3 हुआ, एक 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा m स्क्वायर बराबर 51n प्लस 1। ठीक, ये जो स्टेटमेंट था इतना बराबर इतना, हम उसको सिंप्लीफाई करते करते यहां तक पहुंच गए, एक रिलेशन निकल गया बिटवीन m एंड n। अब क्वेश्चन जो पूछा है वो ये कि m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहां देखिए, यहां m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहां अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो तब ना m बराबर स्क्वायर रूट ऑफ इतना लिख रहे हैं, तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए,
अभी तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद भी वो एक इंटीजर है। तो थिंक ऑफ नंबर्स इन प्लेस ऑफ एन, एन के जगह वन डाल के देखते हैं, टू डाल के, थ्री डाल के, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिस समय ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा बस वही आंसर होगा। तो एन बराबर फाइव डालने पर 256 आ रहा है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16। यानी कि सवाल का जवाब हो गया एन बराबर फाइव। यही क्वेश्चन। चलिए आज के लिए समाप्त।